हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ, और यहाँ पर हम टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है RTE, राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इससे संबंधित हम दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने डिस्कस किया हुआ था। आज हम पार्ट 3 के अंतर्गत वैकल्पिक क्वेश्चंस जो यहाँ से बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने यहाँ पर कलेक्शन किया हुआ है इस पार्ट में, परंतु जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लें, जिससे कि यहाँ पर जो आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे उनके अधिकांश क्वेश्चंस के आंसर आपको बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपने अभी तक नहीं समझे हैं, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था वो आपको बताना है। शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के लिए, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, भारत का साक्षरता दर बढ़ाने के लिए, या फिर निजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, चार विकल्प में से आपको बिल्कुल सटीक और सही उत्तर का चयन करना है। तो आप समझ सकते हैं कि जो RTE 2009 लाया गया था इसका उद्देश्य क्या था। शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के लिए था, क्या निजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए था, नहीं, भारत की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए था। तो ये एक चीज़ यहाँ पर सही है, और शिक्षा को मूल अधिकार बनाना भी इसका उद्देश्य था, लेकिन प्रमुख उद्देश्य बताना है आपको यहाँ पर। तो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए RTE एक्ट 2009 लाया गया था, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था, छात्रों की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाया जाए और शिक्षा उपलब्ध कराई जाए उन्हें। अगर वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, तो साक्षरता दर भी बढ़ेगी, यानी कि ये वाला ऑप्शन यहीं समाहित हो जाएगा, और शिक्षा का मूल अधिकार जो है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि शिक्षा का मूल अधिकार क्या होता है, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर जो सी हैं वो ऑप्शन नंबर बी में समाहित हो जाते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको काउंट करते चलना है कि टोटल क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हुए हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे। राइट टू एजुकेशन 2009 देश में कब लागू हुआ था? तो ये लगभग हर स्टूडेंट बता सकता है कि राइट टू एजुकेशन 2009 कब लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लिखा हुआ है, RTE एक्ट 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन का चयन करना है, वही आपका सही उत्तर होगा। यह अधिनियम लागू होते समय जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं हुआ था। तो ये तो सत्य कथन है, क्योंकि RTE जो है वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में लागू हुआ था। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये कथन सत्य है, और आपको कौन से कथन का चयन करना है, असत्य का। यह अधिनियम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर लाया गया था, तो ये भी सत्य है, क्योंकि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर ही लाया गया था। तो यहाँ पर ये सत्य कथन है, आपको असत्य ढूंढना है। इस अधिनियम में छात्रों के अधिकारों इस अधिनियम में छात्रों के अधिकारों के साथ साथ शिक्षकों, अभिभावकों और सरकार के दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि ये जो अधिनियम बनाया गया था इसमें छात्रों के जो अधिकार हैं उनके साथ साथ शिक्षक और अभिभावक, माता पिता जो होते हैं और सरकार है, सभी के जो दायित्व हैं उनका निर्धारण किया गया था, जो हमने डिस्कस किया था कल और परसों वाले लेक्चर में। तो ये इसका सत्य कथन है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। ये ऑप्शन यहाँ पर असत्य है, क्योंकि जो आयु रखा गया है इसमें, आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। हाँ, अगर विकलांग बच्चों की अगर हम बात करें, दिव्यांग बच्चों की बात करें, तो उनके लिए आयु सीमा में छूट है। उनको 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बालकों को यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती है, परंतु यहाँ पर जो विकल्प डी लिखा हुआ है उसमें
विकलांग या दिव्यांग बच्चों की बात नहीं करी गई है, यहाँ पर सभी बच्चों की नॉर्मली बात कही गई है कि 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, तो ये कथन असत्य है और हमें असत्य कथन का ही चयन करना था, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा हुआ है सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है का मतलब है कि सही जोड़ी जिनकी नहीं बनी हुई है वो हमें उत्तर चयन करना है। तो अगर हम देखें, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया, 35(1), तो ये गलत है क्योंकि धारा 35(1) के अंतर्गत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन नहीं किया गया, तो ये सुमेलित नहीं है, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा यही। आगे देख लेते हैं, राज्य सलाहकार परिषद का गठन धारा 34(a), तो ये सही है क्योंकि 34(a) में राज्य सलाहकार परिषद का गठन करने संबंधी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो ये तो सुमेलित है तो ये गलत हो जाएगा। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन, इसकी बात धारा 31(3) में कही गई है, तो ये भी सुमेलित है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन धारा 21 में कहा गया है, तो ये भी सुमेलित है, ये भी सही जोड़ी मिली हुई है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। आपको बता दें कि ये जो RTE एक्ट 2009 है इसमें टोटल अध्याय कितने हैं, 8 7 अध्याय हैं, टोटल अध्याय हैं 7, इसमें टोटल धारा कितनी है, धारा है 38, और इसमें आपको ये ध्यान रखना है दोनों चीज़ें कि अध्याय कितने हैं 7 और धारा कितनी है 38, और अनुसूची है 1, अनुसूची कितनी हैं, अनुसूचियां हैं 1, तो ये तीनों चीज़ें आपको नोट कर लेना है, याद रखना है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, लिखा हुआ है RTE एक्ट 2009 में अध्यापकों से संबंधित प्रावधान नहीं है, अध्यापकों से संबंधित प्रावधान नहीं है वो आपको बताना है, अध्यापकों के बारे में क्या दिशा निर्देश नहीं दिया गया है वो आपको चयन करना है। तो अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि TET टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, तो ये तो प्रावधान है, बिना इसको पास किए टीचर बनने के योग्य नहीं होता है अध्यापक, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि जिस चीज़ का प्रावधान नहीं है वो आपको चयन करना है। अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाया जाएगा, तो इसका भी प्रावधान है कि पल्स पोलियो अभियान इस तरह के जो अभियान है वहाँ पर ड्यूटी नहीं लगाई जा सकेगी, गैर शैक्षणिक कार्यों में केवल 3 जगह ड्यूटी लगाई जा सकती है, जो कि हमने डिस्कस किया था, या तो इलेक्शन के समय, या फिर जनगणना के समय, या फिर कोई आपदा हो उस समय। अध्यापक निजी शिक्षण का कार्य नहीं करेंगे, तो ये बात भी कही गई है, अगर गवर्नमेंट टीचर है कोई टीचर तो उसको ट्यूशन वगैरह पर प्रतिबंध लगाया गया है, निजी शिक्षण कार्य वो नहीं करा सकता है, तो ये तीनों प्रावधान हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कक्षा कक्ष में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा, तो इस प्रकार का कोई दिशा निर्देश या प्रावधान नहीं किया गया है RTE 2009 में, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर हम बिल्कुल अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं और बार बार परीक्षा में ये क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको अच्छे से अध्ययन करते चलना है इन प्रश्नों का। हम सभी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एनालिसिस करने के बाद सही उत्तर का चयन कराते हैं, जिससे कि आप लोग समझ सकें कि सही उत्तर है तो वो क्यों है और बाकी जो गलत हैं तो वो गलत क्यों हैं। RTE अधिनियम 2009 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, 4 5 कथन दिए हुए हैं ए बी सी डी ई, इनमें से आपको चयन करना पड़ेगा कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन लिखा हुआ है RTE अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, तो ये भी सही है, ये सही है क्योंकि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को वो शिक्षा प्रदान की जाती है RTE के तहत। प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 बच्चों के घर के नज़दीक ही 1 किलोमीटर परिधि की दूरी पर उपलब्ध कराई जाए, तो ये बात भी सही है, 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। उच्च प्राथमिक शिक्षा यानी कि कक्षा 6 से 8 बच्चों के घर के नज़दीक ही 2 किलोमीटर की परिधि की दूरी में उपलब्ध कराई जाए, तो ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि माध्यमिक स्कूल जो हैं उनके लिए प्रावधान दिया गया है कि 2 किलोमीटर की परिधि में होना चाहिए। इसके अलावा अनामांकित छात्रों को विद्यालय में प्रवेश आयु के आधार पर नहीं बल्कि पिछली कक्षा में उत्तीर्ण के आधार पर किया जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है RTE एक्ट 2009 में, तो ये हमारा गलत कथन हो जाएगा। फिर से पढ़ लें, अनामांकित छात्र जिसका एडमिशन अभी नहीं हुआ है उसको विद्यालय में प्रवेश
आयु के आधार पर नहीं बल्कि पिछली कक्षा में उत्तीर्ण के आधार पर किया जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर एडमिशन की बात कही जाए तो आरटीई एक्ट में एडमिशन किसके आधार पर दिया जाता है? आयु के आधार पर दिया जाता है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को ही एडमिशन दिया जाता है, ना कि उत्तीर्ण के आधार पर, पिछली कक्षा में उत्तीर्ण के आधार पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आयु के आधार पर नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर टकराव उत्पन्न हो रहा है, तो ये हमारा कथन गलत है। अंतिम कथन देख लेते हैं, कक्षा 8 तक किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा, तो ये भी सही है क्योंकि इस तरह का प्रावधान रखा गया था आरटीई एक्ट 2009 में कि कक्षा 1 से 8 तक जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं उनको किसी भी क्लास में फेल नहीं किया जाएगा। यानी कि कौन कौन से कथन सही हैं, ए बी सी और ई, ये 4 कथन सही हैं। अब हम देख लेते हैं नीचे विकल्प दिए गए होंगे हमें, तो उसमें से हमें चयन करना है ए बी सी ई। देखिए ए बी सी ई यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। जहाँ जहाँ डी है वो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है कि अगर बच्चों का एडमिशन लेना है तो आयु के आधार पर नहीं लेना है बल्कि पिछली कक्षा में उत्तीर्ण होने के आधार पर लेना है। अब चूँकि आयु के आधार पर इसमें एडमिशन लिया जाता है, उत्तीर्ण तो हर बालक को किया ही जाना है क्योंकि कक्षा 1 से 8 तक उसको फेल नहीं होना है, तो ये कथन निराधार था, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आरटीई एक्ट में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सुमेलित है, सुमेलित मतलब कि सही जो जोड़ी है वो आपको चयन करना है, कौन कौन सा सही है बात यहाँ पर जो लिखी गई है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए ध्यान देना है, शिक्षक छात्र अनुपात 1:30, तो ये बिल्कुल सही है, कल ही हमने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ था कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में। प्रतिवर्ष कार्य दिवस न्यूनतम 200 दिवस, तो ये भी सही है, कम से कम 200 शैक्षणिक दिवस होना चाहिए वर्ष में। और प्रतिवर्ष शिक्षा घंटे कितने घंटे न्यूनतम शिक्षा होनी चाहिए, 800 घंटे, तो ये भी सही है, ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा हुआ है आरटीई एक्ट 2009 के किस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अपने राज्य में लागू करने हेतु अधिनियम बनाती हैं। एक बार दोबारा आप क्वेश्चन को समझ लें, आरटीई एक्ट 2009 के किस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य में लागू करने हेतु अधिनियम बनाती हैं। तो राज्य सरकार अपने राज्य में लागू करने के लिए जो अधिनियम बनाती हैं वो अनुच्छेद 38 आर्टिकल नंबर 38 यानी कि अनुच्छेद 38 के तहत ये अधिनियम बनाती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है, क्या प्रावधान है देख लेते हैं। विकल्पों में दिया गया 5 कथन दिए गए हैं, तो इनमें से क्या प्रावधान है वो आपको चयन करना है। लिखा हुआ है यह अधिनियम सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी विद्यालयों पर लागू होगा, तो ये बिल्कुल सही है, छात्रों से किसी भी प्रकार की कोई प्रति व्यक्ति फीस वसूली नहीं जाएगी, तो ये भी सही है क्योंकि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने की बात कही गई है। अभिभावकों का दायित्व निर्धारित किया गया है कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजें, ठीक है, ये भी सही है। विद्यालय में जो छात्र है उसका नामांकन कराने का जो कार्य सौंपा गया है वो अभिभावक का है, और नामांकन के बाद अधिगम के आधार पर उसको शिक्षण कराने का जो कार्य है वो सौंपा गया है शिक्षक को। अनामांकित छात्रों को उसकी आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा, बिल्कुल सही है, आयु के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा। उपर्युक्त सभी प्रावधान शामिल हैं, तो देखिए चारों जो ऊपर प्रावधान दिए गए हैं वो शामिल हैं, तो यानी कि अपना जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त सभी प्रावधान शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है आरटीई एक्ट में प्रावधान नहीं है, कौन सा प्रावधान नहीं है वो आपको चयन करना है। विद्यालय स्थापित करने का दायित्व तो समुचित सरकार का होगा, तो ये तो सही है क्योंकि विद्यालय स्थापित करने का कार्य किसका होता है, सरकार का होता ही है, तो हमें ये विकल्प उत्तर के रूप में चयन नहीं करना है क्योंकि ये प्रावधान है, आपको वो विकल्प चुनना है जो प्रावधान नहीं है। किसी भी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, तो ये भी प्रावधान है, किसी भी कक्षा में उसको फेल नहीं किया जाएगा। प्रत्येक निजी विद्यालय को अल्प आय वाले गरीब वर्ग के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा में 25% सीटें सुरक्षित रखनी होंगी, तो ये भी प्रावधान है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है पूर्व विद्यालय शिक्षा का प्रभावी रूप से
प्रावधान किया गया है। देखिए, पूर्व विद्यालय शिक्षा, पूर्व विद्यालय शिक्षा कौन सी कहलाती है? स्कूल में आने से पहले, एडमिशन होने से पहले जो शिक्षा होती है वो कहलाती है पूर्व विद्यालय शिक्षा। इसका प्रभावी रूप से कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन इस विकल्प में लिखा है कि प्रावधान किया गया है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A संबंधित है। तो 21A किससे संबंधित है? आप सभी जानते हैं कि जो अनुच्छेद 21A है वो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो महिला बाल विकास से संबंधित नहीं है, बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित नहीं है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार से संबंधित है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। RTE एक्ट के संदर्भ में असत्य कथन को छांटिए। असत्य कथन जो है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो इस अधिनियम के द्वारा बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए जाने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा। देखिए, जो RTE एक्ट है उसमें ये बात कही गई है कि बच्चे को कहीं फेल नहीं किया जाएगा, तो कक्षा 1 से 8 तक उसको बिना किसी अवरोध के अगली कक्षा में पहुंचा दिया जाएगा, निष्कासित नहीं किया जाएगा। तो ये तो सत्य कथन है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इस अधिनियम में विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना बनाने संबंधी भी प्रावधान है, तो ये भी सत्य है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। विद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों के 25% से अधिक रिक्त नहीं होंगे, इस तरह का कोई भी प्रावधान शामिल नहीं किया गया है, ये असत्य कथन है, तो यही हमारा उत्तर होगा। देखिए, 25% से संबंधित जो प्रावधान किया गया है वो ये है कि निजी शैक्षणिक संस्थान यानी कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर जितने भी सीटें हैं उसमें 25% सीट जो हैं वो गरीब बच्चों के लिए रहेंगी, जिनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो वो बात कही गई है, लेकिन ये बात नहीं कही गई कि विद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों के 25% से अधिक रिक्त नहीं होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो असत्य है, और आपको असत्य कथन का ही चयन करना था। चलिए, ऑप्शन नंबर डी पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। इस अधिनियम में एक अनुसूची दी गई है जिसमें विद्यालय संबंधी मान और मानक दिए गए हैं, तो ये तो सही है क्योंकि एक प्रकार की अनुसूची तैयार की गई है। इसमें 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं, और ये जो अनुसूची है उसमें विद्यालय संबंधी मान और मानक दिए गए हैं, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। RTE एक्ट 2009 के संवैधानिक प्रावधान के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको ये कथन दिए गए, इन पर विचार करना है और फिर सही विकल्प का चयन करना है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकारों में समाहित किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया था, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 86वां संविधान संशोधन था, और ये कब आया था? सन 2002 में लाया गया था ये 86वां संविधान संशोधन, और इसके अंतर्गत जो धारा 45 थी उसको विलोपित किया गया था, और अनुच्छेद 21A के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकारों में जोड़ा गया था, तो ये तो सही है। अगला देख लेते हैं, शिक्षा का अधिकार संविधान के स्वतंत्रता का मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया, तो ये भी सही है। इस अधिनियम से पहले निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का उपबंध राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में व्यवस्था की गई थी, तो ये भी सही है। इसी अनुच्छेद 45 का लोप करके 21A तैयार किया गया था। तो यहाँ तक अभी तक तो ABC तीनों सही हैं। आगे देख लेते हैं, लिखा हुआ है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 का लोप कर अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार घोषित किया गया, तो ये भी सही है, डी भी सही है। ऑप्शन नंबर ई, स्टेटमेंट नंबर ई, नवीन अनुच्छेद 45 के द्वारा 6 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा का अवसर देने के लिए उपबंध किया गया, तो ये बात भी सही है। अनुच्छेद 45 जो था उसमें ये बात कही गई थी कि जो विद्यालय के पहले यानी कि सभी बालकों को पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा का अवसर दिया जाए, तो पांचों चीज़ें यहाँ पर सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ABCD और ई सही है, ये हमारा उत्तर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है RTE एक्ट 2009 के संवैधानिक प्रावधान के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फिर से कुछ विचार दिए गए हैं, शायद ये क्वेश्चन वही है, हाँ वही क्वेश्चन है, तो इसको हम डिस्कस अभी अभी कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ABCD और ई सभी क्या हैं, सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लिखा हुआ है शिक्षा विषय है। तो देखिए, शिक्षा जो विषय है वो केवल केंद्र का विषय नहीं है, केंद्र मतलब संघ, ना केवल राज्य का विषय है,
ये केंद्र और राज्य दोनों का विषय है, मतलब कौन सी सूची का, समवर्ती सूची का ये विषय है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों से कौन कौन से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा सकते हैं, तो तीन कार्य हमने बताए हुए थे, जनगणना का, इलेक्शन का और आपदा प्रबंधन का। तो जनगणना का कार्य कराया जा सकता है, आपदा राहत का कराया जा सकता है और चुनाव संबंधी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा। आरटीई एक्ट में प्रावधान नहीं किया गया, किस चीज़ का प्रावधान नहीं किया गया, घुमंतू बालकों की शिक्षा का ये प्रावधान तो किया गया है। घुमंतू बालक कौन कहलाते हैं, जो विद्यालय नहीं जाते हैं, उन घूमते रहते हैं, उन बालकों को क्या बोला जाता है, घुमंतू बालक। तो ये एक्ट इसीलिए लाया गया कि सभी बच्चों का अनिवार्य रूप से और निःशुल्क रूप से अध्ययन कराया जाए, नामांकन दिया जाए, उनको फेल नहीं किया जाए, तो घुमंतू बालकों की शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो हमारा ये उत्तर सही नहीं माना जाएगा। बच्चों को शारीरिक दंड देने का, ये बिल्कुल सही है, ये प्रावधान नहीं किया गया है कि आप बच्चों को शारीरिक दंड दें, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। इसके बाद लिखा हुआ है विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों का, तो ये प्रावधान किया गया है और छात्र और शिक्षक अनुपात का भी प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया गया, तो शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया गया था, सन 2002 में। कब किया गया था, 2002 में शिक्षा को मूल अधिकार घोषित किया गया था, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन, इसके तहत अनुच्छेद 21(1) में ये प्रावधान किया गया था सन 2002 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लिखा हुआ है आरटीई अधिनियम 2009 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर फिर से कुछ कथन दिए हुए हैं, उन पर हमें विचार करना है और पता लगाना है कि कौन कौन से विकल्प सही हैं। यह अधिनियम पहले राज्यसभा में पारित हुआ, बाद में लोकसभा में पारित किया गया, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले राज्यसभा में गया हुआ था ये अधिनियम, उसके बाद कहाँ पर गया था, लोकसभा में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद देख लेते हैं आयु के अनुसार प्रवेश से तात्पर्य अनामांकित बच्चों के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश से है, तो यहाँ पर आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाता है आरटीई के तहत, तो आयु के अनुसार प्रवेश से क्या मतलब है कि जो जिन बच्चों का भी एडमिशन नहीं हुआ है उन बच्चों के लिए सही आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाए, तो यहाँ पर यह कथन भी सही है। इस अधिनियम में प्रावधान है कि छात्रों को विद्यालय में प्रवेश देते समय किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, तो ये भी शामिल है। इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय, 38 धाराएं और एक अनुसूची है, जो हम अभी अभी बता चुके हैं, तो ये भी सही है। तो चारों विकल्प यहाँ पर सही हैं, चारों कथन सही हैं, तो ए बी सी डी सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में से वह कथन जो आरटीई एक्ट 2009 की आलोचना या कमियों से संबंधित है, आलोचना या कमी से संबंधित कौन सा कथन है, एक समान पाठ्यक्रम पूरे देश में लागू नहीं है, तो ये सही है। कल हमने जो पार्ट डिस्कस किया हुआ था सेकंड वाला, उसमें आलोचनाएं या कमियां देखी थी आरटीई की, तो वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। तो एक समान पाठ्यक्रम पूरे देश में नहीं है, तो ये एक प्रकार की कमी ही है। पूर्व विद्यालय शिक्षा के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, सिर्फ चर्चा की गई, तो ये भी कमी है। और निजी विद्यालयों पर लागू नहीं होना, तो ये भी कमी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व है किसका, केवल केंद्र सरकार का है क्या, नहीं, केवल राज्य सरकार का है क्या, ये भी नहीं, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का ये उत्तरदायित्व है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पहली बार संशोधन कब हुआ, देखिए पहली बार संशोधन कब हुआ, तो ये हुआ था सन 2012 में, पहली बार संशोधन कब किया गया था, 2012 में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और फिलहाल जो संशोधन किया गया है वो कब किया गया, 2019 में। इसके तहत अब कक्षा 5 और 8 की जो परीक्षाएं वो बोर्ड पैटर्न पर आयोजित होंगी, अगर बालक फेल होता है वार्षिक परीक्षा में तो 2 माह उसका शिक्षण कराया जाएगा स्कूल में, और 2 माह बाद फिर से परीक्षा ली जाएगी, अगर अभी भी फेल हो जाता है तो वो उसी क्लास में पढ़ेगा, और अगर पास हो जाता है तो वो अगली क्लास में जाएगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य कथन है, विद्यालय प्रबंधन समिति की बात कही गई है। विद्यालय प्रबंधन समिति एक कमेटी होती है जो जिसमें जो बालक हैं उनके
माता पिता जुड़े होते हैं उस समिति में होते हैं, अध्यक्ष भी होते हैं, सदस्य भी होते हैं, और वो विद्यालय का मैनेजमेंट देखते हैं, प्रबंधन का कार्य देखते हैं, जो शिक्षण कराया जा रहा है किस तरह से कराया जा रहा है, वहाँ पर जो व्यवस्थाएं होना चाहिए, शिक्षण सामग्री होना चाहिए, उससे संबंधित जो प्रबंधन होता है वो कौन देखता है? विद्यालय प्रबंधन समिति। तो इसके संबंध में सत्य कथन छांटना है आपको। तो लिखा हुआ है पहला विकल्प, समिति में कम से कम 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे। बिल्कुल सही है, 75% इसमें जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे? जो बालक वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं उनके माता पिता या फिर संरक्षक, तो ये कथन सही है। 50% सदस्य महिलाएं होंगी, तो ये भी सही है, 50% महिलाएं होंगी। समिति का गठन प्रवेशित बालकों और उनके माता पिता और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से होगा, तो ये भी सही है। समिति का जो गठन किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? जिन बालकों ने एडमिशन लिया हुआ है स्कूल में उनके माता पिता और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। चुनाव होते हैं स्कूलों में, उसके माध्यम से एक समिति का गठन किया जाता है। तो ए बी सी अभी तक तीनों सही हैं। डी देख लेते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष विद्यालय विकास और शिक्षण कार्य में भाग लेगा, तो ये गलत है, क्योंकि विद्यालय प्रबंधन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो केवल प्रबंधन देखता है, ना कि जो शिक्षण है उसमें खुद भाग लेगा। वो खुद नहीं पढ़ाएगा और ना ही खुद विद्यालय का विकास करेगा, वो केवल प्रबंधन का कार्य करेगा, पढ़ाने का शिक्षण का कार्य शिक्षक करेंगे। तो ये विकल्प गलत है, यानी कि कौन कौन से कथन सही हैं? ए बी और सी देख लेते हैं नीचे, यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो कथन ए बी और सी तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जिस विकल्प का मिलान सही नहीं है उसका चयन कीजिए, तो आपको जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। सेक्शन 32, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण प्राप्ति का प्रमाण पत्र जारी करना, तो ये तो सही है। जो अनुच्छेद 30 खा है उसमें इस संबंध में बात कही गई है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी पूर्ण प्राप्ति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इसके बाद सेक्शन 7, शिक्षा हेतु वित्तीय प्रावधान, तो ये भी सही है। जो अनुच्छेद 7 है उसमें शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान से संबंधित बात कही गई है। सेक्शन 11, समुचित सरकार के दायित्व, तो ये गलत कथन है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो समुचित सरकार के दायित्व हैं वो सेक्शन 11 के अंतर्गत नहीं रखे गए हैं, उसको रखा गया है सेक्शन 8 के अंतर्गत। समुचित सरकार के जो दायित्व हैं वो दायित्व का प्रावधान कौन से सेक्शन में, कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो वो है सेक्शन 8, ना कि सेक्शन 11। तो ये विकल्प सही नहीं है और यही हमारा राइट आंसर होगा। जो सेक्शन 11 है इसका संबंध है समुचित सरकार के विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के संबंध में। ध्यान से सुनना, जो सेक्शन 11 है उसमें किस चीज़ के संबंध में प्रावधान रखा गया है कि जो सरकार विद्यालय पूर्व शिक्षा है, विद्यालय में आने से पहले जो शिक्षा दी जाती है उसके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं की जाती हैं उनसे संबंधित बात कही गई है। बाकी समुचित सरकार के जो दायित्व हैं वो सेक्शन 8 में बताए गए हैं, तो ये सुमेलित नहीं है और ये हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद लिखा हुआ है सेक्शन 31, राष्ट्रीय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा अधिनियम में उनके किए गए प्रावधानों का पालन करना, तो ये भी सही है, सेक्शन 31 के अंतर्गत ये बात कही गई है। तो जिस विकल्प का मिलान सही नहीं है उसका चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर सी का हम चयन करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, RTE Act 2009 के प्रावधान कहाँ लागू नहीं होंगे? कहाँ पर ये लागू नहीं होंगे? मदरसों में नहीं होंगे, तो ये भी सही है। वैदिक पाठशालाओं में नहीं होंगे, तो ये भी सही है। धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थानों में नहीं होंगे, तो ये भी सही है। तो उपर्युक्त तीनों जगह है, मतलब कि उपर्युक्त सभी में ये प्रावधान लागू नहीं है, ये प्रावधान केवल निजी और सरकारी विद्यालयों में लागू हैं। इसके बाद लिखा हुआ है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, फिर से यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, 4 कथन हैं, आपको पढ़कर सही कथनों का चयन करना है। उन बालकों को 14 वर्ष के बाद भी निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, उन बालकों को 14 वर्ष के बाद भी निःशुल्क शिक्षा मिलेगी जिन्होंने 14 वर्ष तक अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं की है, तो ये कथन सही है। वैसे तो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले छात्र होते हैं वो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के मध्य होते हैं, और इन्हीं आयु वर्ग को RTE Act के तहत पढ़ाने पर जोर दिया गया है, लेकिन
उन बालकों को 14 वर्ष के बाद भी निःशुल्क शिक्षा मिलेगी जिन्होंने 14 वर्ष तक अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाई है। तो ये सही है, जिन बालक को आयु के आधार पर प्रवेश दिया गया है और जिसने अपनी आयु के हिसाब से प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं की, उस बालक को अन्य बालकों के समान होने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये भी सही है, अधिनियम में उल्लेखित धारा 20 के अनुसार विद्यालय से संबंधी मान और मानकों की अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति केंद्र सरकार को है। तो ये भी सही है, धारा 38 के अनुसार संपूर्ण अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार केंद्र सरकार का है। तो ये भी सही है, चारों बातें जो कही गई हैं वो बिल्कुल सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए बी सी और डी सही हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, आरटीई एक्ट में उल्लेखित प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्राय है। देखिए, जो आरटीई एक्ट में प्रारंभिक शिक्षा की बात कही गई है वो कहाँ से कहाँ तक की आयु वर्ग के लिए कही गई है, 6 से 14 वर्ष की, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए प्रारंभिक शिक्षा की बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रारंभिक शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा से क्या अभिप्राय रखा गया है आरटीई एक्ट में, कक्षा 1 से 8 तक, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, फिर से 4 कथन दिए गए हैं, इन पर हमें विचार करना है, 5 कथन हैं। लिखा हुआ है, धारा 12 में विद्यालय के उत्तरदायित्व तो बताए गए थे, तो ये भी सही है, धारा जो 12 है उसमें विद्यालय की जो जिम्मेदारियां हैं उत्तरदायित्व हैं उनके बारे में बताया गया है। धारा 13 में प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया नहीं के बारे में बताया गया है, तो ये भी सही है। धारा 14 में प्रवेश के लिए आयु के सबूत संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया, तो ये भी सही है। और धारा 16 में कक्षा में रोकने तथा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बगैर निष्कासन पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया, तो ये भी सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर जो ई है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निजी विद्यालयों की मान्यता प्राप्त संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद या धारा में बताया गया है। देखिए, निजी विद्यालयों की जो मान्यता संबंधी प्रावधान है वो किस धारा में है, धारा 18 में बताए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आरटीई एक्ट में उल्लेखित समुचित सरकार से अभिप्रेत है, अभी एक क्वेश्चन में यहाँ पर हमें विकल्प मिला था कि अनुच्छेद 8 के अंतर्गत समुचित सरकार के दायित्व तो बताए गए हैं, तो समुचित सरकार से क्या तात्पर्य है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो समुचित सरकार से तात्पर्य क्या है, केंद्र सरकार या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जिसमें कोई विधानमंडल नहीं है, प्रशासक द्वारा नियंत्रित विद्यालय के संबंध में केंद्र सरकार, तो ये सही है, ये समुचित सरकार को अभिप्रेरित कर रहा है और उसका अर्थ इंगित कर रहा है। इसके अलावा किसी राज्य के जो राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित विद्यालय हैं उनके संबंध में राज्य सरकार से, तो ये बात भी सही है, ये भी समुचित सरकार के उत्तरदायित्व को अभिप्रेरित कर रहा है, तो ए भी ठीक है और बी भी ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, विधानमंडल वाले किसी संघ राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में उस संघ राज्य के क्षेत्र सरकार से, तो इसको भी इंगित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आरटीई अधिनियम में उल्लेखित स्थानीय प्राधिकारी का आशय है, स्थानीय प्राधिकारी का किससे आशय है, तो अगर नगर परिषद है तो उससे होगा, नगर पंचायत है तो उससे होगा, और अगर ग्राम पंचायत है तो उससे होगा, यानी कि स्थानीय प्राधिकारी का यहाँ पर जो आशय है वो तीनों से है, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार शिक्षकों का कर्तव्य नहीं है, शिक्षकों का क्या कर्तव्य नहीं है, उनकी क्या ड्यूटी नहीं है जो उन्हें नहीं निभाना है, विद्यालय में उपस्थित होने में नियमित और समय का पालन करना, तो ये तो ड्यूटी है तो हमारा ये उत्तर नहीं होगा, निर्दिष्ट समय के भीतर पाठ्यक्रम संचालित कराना और उसको पूरा करना, तो ये भी एक ड्यूटी है, शिक्षकों का कर्तव्य है, तो ये उत्तर नहीं होगा हमारा, प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने की सामर्थ्य का निर्धारण कर उसके अनुसार अपेक्षित शिक्षण करवाना, तो ये भी एक कर्तव्य है एक शिक्षक का, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने पर पर्याप्त ध्यान देना, ये जो है वो कर्तव्य नहीं है शिक्षकों का, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, कितने छात्रों पर 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक यानी कि 5+1 का मानक निर्धारित किया गया है, तो देखिए
500 बच्चों पर नहीं किया गया है, ना ही 200 पर, ना ही 200 से अधिक पर। 150 से अधिक छात्र हैं अगर विद्यालय में तो एक प्रधान अध्यापक होगा और 5 क्या होंगे, अध्यापक, यानी कि कुल 6 अध्यापक होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, छात्र शिक्षक अनुपात कक्षा 6 से 8 के लिए बात कही जा रही है के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक, विज्ञान, गणित, सामाजिक और भाषा। तो ये सही है कि हर कक्षा में कम से कम 4 शिक्षक होने चाहिए, एक गणित का, एक विज्ञान का, एक सामाजिक का और एक भाषा, भाषा यानी कि इंग्लिश, हिंदी या फिर संस्कृत। 45 शिक्षकों पर कम से कम एक शिक्षक, तो ये सही है कि 45 शिक्षकों पर कम से कम एक शिक्षक होना ही चाहिए। 45 अगर बच्चे हैं तो एक शिक्षक अनिवार्य रहेगा। 100 से अधिक छात्र होने पर एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक, तो ये भी सही है, अगर मिडिल स्कूल है और 100 से ज़्यादा छात्र हैं तो वहाँ पर एक प्रधानाध्यापक भी होना आवश्यक है। कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा के लिए अंशकालिक शिक्षक, तो अगर आपको यहाँ पर आर्ट्स, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन की जो शिक्षा प्रदान करना है स्कूल में, तो इनके लिए कुछ समय के लिए आप शिक्षक रख सकते हैं, उसको बोलते हैं अंशकालिक शिक्षक। जितने टाइम का ये कोर्स रहेगा, 3 महीने का 6 महीने का, तो उसके अनुसार अंशकालिक शिक्षक भी रखे जाने का प्रावधान है, तो ये भी सत्य है, यानी कि चारों जो कथन है वो सत्य हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न जो है उसमें लिखा हुआ है कि छात्र शिक्षक अनुपात कक्षा 1 से 5 तक के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कक्षा 1 से 5 की बात कही जा रही है, तो देख लेते हैं, 60 बालकों पर 2 अध्यापक, तो ये सही है, 30 पर 1 और 60 पर 2। 61 से 90 तक के बालकों पर 3 अध्यापक, तो ये भी सही है। 91 से 120 तक छात्रों पर 4 अध्यापक, तो ये भी सही है। 121 से 200 के मध्य छात्रों पर 6 अध्यापक, ये गलत है, क्योंकि 121 से 200 के मध्य 5 अध्यापकों की बात कही गई है और यहाँ पर लिखा हुआ 6 अध्यापक, तो ये गलत हो जाएगा। और इसके बाद लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ई में, 200 से अधिक होने पर प्रधानाध्यापक को छोड़कर 40 अनुपात 1 से अधिक नहीं होगा। छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो 1:40 होगा, इससे अधिक नहीं होगा। कब? जब 200 से ज़्यादा स्ट्रेंथ है विद्यालय में, तो यहाँ पर ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर कथन नंबर एक है, यानी कि ए, बी, सी और ई, ये 4 कथन सही हैं, केवल डी जो है वो सही नहीं है। देख लेते हैं विकल्पों में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ए, बी, सी और ई सही हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कभी कभी जो सभी कथन है वो सही नहीं होते हैं, वैसे अधिकतर क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं कि उसमें सभी कथन सही होते हैं, लेकिन जैसे कि हमें ये प्रश्न मिला उसमें ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, तो हमारा ए, बी, सी और ई सही होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षकों हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटों की संख्या है, न्यूनतम 45 घंटे, अधिकतम 45 घंटे, न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं, या फिर अधिकतम 45 शिक्षण घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम 45 घंटे शिक्षण कार्य होगा जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल किए जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम, तो ये आप लोग बता सकते हैं क्या है सही नाम, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये है पूरा नाम और सही नाम, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए, मतलब कि सही कथन का आपको चयन करना है। आरटीई एक्ट 2009 की धारा 17 के अनुसार बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का निषेध है या फिर प्रतिषेध है, तो ये सही है क्योंकि धारा 17 में ये बात कही गई है कि छात्र को शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकेगा। विद्यालय के मान और मानक संबंधी धारा 19 में प्रावधान किया गया है, तो ये भी सही है, जो मानक तैयार किए गए हैं वो कौन सी धारा के अंतर्गत आते हैं, 19 के अंतर्गत। इस अधिनियम की धारा 20 के अनुसार विद्यालय के मान और मानक संबंधी अनुसूची में संशोधन की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त है, तो ये भी सही है, अभी तक तीनों विकल्प सही हैं यहाँ पर।
इस अधिनियम की धारा 26 के अनुसार विद्यालयों में शिक्षकों की पद रिक्तियों को भरना, 10% से ज़्यादा पद खाली ना रहें, तो ये बात भी इंक्लूड की गई है। कौन सी धारा में? 26 में, तो ये भी सही है। इसके बाद ऑप्शन नंबर कथन जो ई है उसमें लिखा हुआ है, इस अधिनियम की धारा 29 के अनुसार पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जिसमें NCF 2005 का विकास करना एवं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू करना, तो ये भी सही है। यानी कि पांचों कथन सही हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है ये हमारा इस सेशन का, देख लेते हैं। लिखा हुआ है, सरकार से संबंधित निर्देश अभियोजन कार्यवाही और नियम आदि से संबंधित है, कौन संबंधित है? देखिए, सरकार से संबंधित जो निर्देश प्राप्त होते हैं, जो योजनाएं बनाई जाती हैं और जो कार्यवाही की जाती है और जो नियम होते हैं, वो अध्याय 7 में वर्णित हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में भी अध्याय 7 लिखा हुआ है और ऑप्शन नंबर डी में भी अध्याय 7 लिखा हुआ है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो निर्देश अभियोजन कार्यवाही और नियम, इनसे संबंधित जो धाराएं हैं वो हैं 35, 36, 37 और 38, यानी कि प्रकीर्ण धारा 35 से 38 तक ये बातें शामिल की गई हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरह से हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी।